नमस्कार दोस्तों, डीबी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत। आज लेके आया हूँ और एक नया वीडियो टेंडर राउटर के ऊपर। ये जो टेंडर राउटर है या फिर कोई भी राउटर हो, किसी भी राउटर हो, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोगों को बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। तो ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, चाहे वो टेंडा हो या फिर टीपी लिंक हो या डी लिंक हो, जो भी राउटर हो, आपको इसी तरह का वीडियो देंगे आज कि आप किसी भी राउटर में आईपी आप निश्चिंत होकर डाल सकते हैं और काम भी करेगा। तो इसका मैं टोटल कॉन्फ़िगरेशन मैं आज करूंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे पहले मैं आपको जो है इसमें पावर एडाप्टर का जो है पावर में लगा देता हूं यहाँ पे। और लगाने के बाद यहाँ पे लाइट देखिए ऑन होगा। एक मैं थोड़ा लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखिए पावर का लाइट जल रहा है। अभी वाईफाई का ऑन होगा तभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता हूँ। थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए वाईफाई ऑन हो गया। अब इसके थोड़ा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपको आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना होगा। 192.168.0.1 इसमें जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन पासवर्ड है एडमिन। तो इसे मैं अभी लॉगिन करके कॉन्फ़िगर करके मैं दिखाता हूँ। तो चले जाते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद फर्स्ट मुझे जो करना होता है वो वाईफाई कनेक्ट करना होता है। तो देखिए ये टेंडा F9000 आ गया, जो इसका मॉडल नंबर है। तो मुझे टेंडा F9000 में कनेक्ट कर लेना है। कोई भी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होता है। अभी देखिए कनेक्ट हो गया है। ऑटोमेटिकली जो है मुझे एक पेज आ गया है। अगर ऑटोमेटिक पेज ना आए तो इसके लिए क्या करना होता है मैं उसी से दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक आ जाता है, बहुत टाइम नहीं आता है पेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैं चाहे तो यहाँ से भी कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, स्टैटिक आईपी वगैरह सब कुछ देकर। तो यहाँ से मैं आज नहीं करूँगा, आईपी देकर ही मैं करूँगा। तो आईपी देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है क्रोम में चले जाना होता है, न्यू पेज ले लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है जो पीछे दिया गया था 192.168.0.1। देखिए वही वाला पेज यहाँ पे भी आ गया। अब मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो PPPoE जो है ये होता है बेसिकली BSNL के लिए। डायनामिक आईपी आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं इस राउटर को तब यूज़ किया जाता है, एक्सटेंडर एज ए एक्सटेंडर यूज़ करने के लिए। और स्टैटिक आईपी जब WinU से कनेक्ट होकर आपको राउटर में कॉन्फ़िगर करना होता है तभी आपको स्टैटिक आईपी लेना होता है। तो मैं स्टैटिक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने पे जाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कोई भी राउटर हो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करने के बाद वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आईपी पीछे जो आईपी लिखा हुआ था ज़्यादातर 192.168.0.1 होता है या फिर 192.168.1.1 होता है, मैक्सिमम जो है यही होता है। तो उसमें जाने के बाद आपको ये यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद किसी में पासवर्ड लगता है और किसी में पासवर्ड नहीं लगता है, जो पीछे लिखा हुआ होता है राउटर में, जो भी है आप दीजिएगा। उसके बाद जो है यही पेज आएगा आपका पास। तो पेज आने के बाद आपको सिर्फ ढूंढना होता है ये स्टैटिक आईपी। कोई भी राउटर हो आप सिर्फ इतना ढूंढिए स्टैटिक आईपी। ये डायरेक्ट आ गया। कुछ कुछ राउटर में आपको नेटवर्क इन्फो बोल के एक ऑप्शन मिलता है, बस वहाँ पे जाइए फिर स्टैटिक आईपी आप ढूंढ निकालिए। जहाँ पे PPoE, डायनामिक आईपी, स्टैटिक आईपी ये सारे चीज़ लिखा हुआ हो सकता है, ड्रॉप डाउन मेनू भी हो सकता है। तो ड्रॉप डाउन मेनू से ही आप स्टैटिक आईपी सिलेक्ट कर लें। अब आईएसपी से जो आईपी मिला है वो हमें यहाँ पे बैठाना है। तो मैं यहाँ पे एक आईपी में डाल देता हूँ। ये आईपी जो है आपको अपने आईएसपी से मिलता है, जो लोकल प्रोवाइडर है वही आपको देगा। नेक्स्ट है सबनेट मास्क, उसके बाद डालना होता है डेफल गेटवे, DNS, सेकेंडरी DNS। अब यहाँ पे देखिए वाईफाई नेम का ऑप्शन दे रहा है कि वाईफाई नाम जो टेंडर D9000 ऑप्शन पहले से दिख रहा था, यानी जो ये कॉन्फ़िगर करने से पहले ऑटोमेटिक बाय कंपनी से आता है, ये आप चेंज कर सकते हैं। मैं दुकान का नाम लिख देता हूँ इसमें, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं इसमें। तो DB इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे अपना इच्छा अनुसार पासवर्ड डालना होगा, मैं कुछ जो 8 डिजिट का होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो है अपने अनुसार जो है एक पासवर्ड डाल दिया।
फिर जो है ये सारी चीज कर लेने के बाद ओके डालना है। लेकिन इससे पहले और एक चीज आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, ये वायरलेस सेटिंग जो है आपको फर्स्ट पेज में ही आ गया, लेकिन कुछ कुछ राउटर में ऐसा होता है कि ये आईपी एड्रेस देने के बाद सेव करना होता है, फिर डब्ल्यू लैन बोल के एक ऑप्शन देता है, उस डब्ल्यू लैन में जाकर आपको ये वाईफाई नाम चेंज करना होता है और पासवर्ड देना होता है। और डब्ल्यू लैन अगर ना लिखा हुआ तो वाईफाई ही लिखा होगा, वाईफाई सेटिंग, तो वाईफाई सेटिंग में जाकर आपको चेंज करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे वायरलेस सेटिंग एक ही पेज में दे दिया, लेकिन दूसरे राउटर में ऐसा भी होता है कि आपको मेन्यू में जाकर वायरलेस सेटिंग ढूंढना पड़ता है, नाम डिफरेंट हो सकता है, वायरलेस सेटिंग हो या फिर वाईफाई नेम हो, आपको देख लेना था होता है। अब हमें यहाँ पे सेव कर देना होगा, देखिए ये अभी सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जब वाईफाई को ऑन करेंगे तो ये जो नाम दिए थे मैंने डीबी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे शो करेगा, ये देखिए शो हो गया, पहले से मेरा डीबी इलेक्ट्रॉनिक्स था तो ही शो कर रहा है, हाँ आ गया। देखिए अभी जो मैंने डिफॉल्ट पासवर्ड दिया था ये मुझे डाल देना होगा, डाल दिए, कनेक्टेड हो गया, ये राउटर जो है अभी कंप्लीट कॉन्फ़िगर्ड। अगर आपको जानकारी सही से मिला हो या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर ये राउटर कॉन्फ़िगर करने के बाद आपका नेट नीच ऑन हो रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में आप जानकारी दे दूंगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।